चंबू और खनौरी बॉर्डर पर कार्रवाई, हरियाणा पुलिस ने किसानों पर दागे आंसू गैस की बोली। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच आज तीसरे दौर की बैठक, दो बैठकें रहीं बेनतीजा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने एबीपी न्यूज से कहा, शाम 5 बजे बैठक, आज दिल्ली कूच की कोशिश नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, जब हम बातचीत के लिए तैयार तो हमारे साथ क्यों किया जा रहा गलत व्यवहार। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हम केंद्र से टकराव नहीं चाहते। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का बयान, कहा, हम बातचीत से भागते नहीं, अपनी 12 मांगों पर ही करेंगे चर्चा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार झूठ बोल रही है कि किसान बातचीत को तैयार नहीं, कोई किसान पत्थर नहीं मारता। पत्रकारों से गलत व्यवहार पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने मांगी माफी, कहा, सरकार की यही होगी मंशा कि हमारी छवि हो खराब। संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने, करीब 30 से 35 बार किसानों पर दागे गए बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले। दिल्ली चलो मार्च में भाग लेने के लिए पंजाब के कई स्थानों से किसानों का आना जारी, किसानों ने कहा, वे पीछे नहीं हटेंगे। खनौरी बॉर्डर पर टीयर गैस के गोले के साथ पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां, दम घोटू धुएं से किसानों का बुरा हाल। दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए किलेबंदी, वेलकम टू दिल्ली वाला बोर्ड तक हटाया गया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी तैयारी, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस की कई कंपनियां तैनात। यूपी में NH-24 पर एहतियातन कड़ी सुरक्षा, 8 लेन के हाईवे का आधा हिस्सा सुरक्षा संबंधित सामान से घिरा, अंडरपास भी बंद। किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा की चर्चा, सूत्रों के मुताबिक हल करने के तरीकों पर भी बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा का कल भारत बंद, पंजाब के किसानों से बर्ताव का विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा का 16 फरवरी को भारत बंद, झारखंड में कांग्रेस और वाम दलों ने बंद को समर्थन दिया। किसानों के 16 फरवरी के बुलाए बंद का CPIM नेता सीताराम येचुरी ने समर्थन किया, कहा, MSP की मांग पूरा करे मोदी सरकार। किसान नेता राकेश नरेश टिकैत का बयान, किसानों के साथ हुई बर्बरता से बीजेपी समेत जयंत की भी हुई किरकिर। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आज हर किसान को MSP दिलाना वक्त की मांग, हम फैसले राजनीति के लिए नहीं करते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, स्वामीनाथन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना केवल सरकार का पाखंड। पंजाब सरकार की मंत्री अनमोल गगन ने कहा, किसानों पर कार्रवाई गलत, वे अन्नदाता। अखिलेश यादव ने पूछा, आखिर बीजेपी चाहती क्या है, एक तरफ भारत रत्न दे रही है लेकिन दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। आज से CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, किसान आंदोलन को देखते हुए छात्रों को घर से जल्दी निकलने की सलाह। 17 फरवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा, 4 राज्यों के किसान नेता भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी का कतर दौरा, दोहा में पीएम मोदी और कतर के पीएम की द्विपक्षीय वार्ता। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा होने के बाद पीएम मोदी की यात्रा, मौत की सजा को जेल की सजा में बदला गया था, फिर 46 दिन भारत वापस लौट आए पूर्व सैनिक। पीएम मोदी ने अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, कहा, यह मानवता की साझा विरासत का प्रतीक। पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले लोगों से भी मुलाकात की, मंदिर अधिकारियों के मुताबिक हिंदू ग्रंथों में वर्णित शैली के मुताबिक बना भव्य मंदिर। अबुधाबी में स्वामी नारायण मंदिर के शिखर के भीतरी गुंबद पर सूर्य की आकृति, स्तंभों पर ऋषि मुनि की मूर्तियां, गर्भगृह में राम दरबार, श्री कृष्ण, शिव पार्वती, जगन्नाथ जी भी विराजमान। हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। अबुधाबी के स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण में शामिल हुए थे कई जगहों के लोग, कोई राजस्थान गुजरात आया तो कोई अयोध्या से आया। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा, सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण।
अबुधाबी में एक्टर दिलीप जोशी ने कहा, देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल, इतने भव्य मंदिर का हुआ है निर्माण। अबुधाबी में बोले शंकर महादेवन, ये भारत के लिए बेहद खुशी का पल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट, लिखा मंदिर सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में हिंसा, महिला का आरोप, रेप पीड़ित महिलाओं से मांगी जा रही है मेडिकल रिपोर्ट। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जख्मी, अज्ञात महिला ने उत्तर 24 परगना में विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था धक्का। बीजेपी ने बनाई 6 सदस्यीय समिति, संदेश खाली का करेगी दौरा। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के डेलीगेशन का संदेश खाली दौरा, पीड़ित महिलाओं के परिजनों से करेंगे मुलाकात। चुनाव आयोग ने की 3,40,000 सुरक्षा कर्मियों की मांग, लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए फोर्स मांग। राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे नामांकन, गुजरात से राज्यसभा सीट के लिए करेंगे नॉमिनेशन। महाराष्ट्र से मेधा कुलकर्णी, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार, कहा पार्टी के एजेंडे के अलावा पुणे के मुद्दे भी उठाएंगे। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 33वां दिन, रामगढ़ में राहुल और खड़गे की जनसभा, तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शराना अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला, कहा दुश्मनी जमकर करो पर जब दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना रहे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले 2047 तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं है मुमकिन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा बीजेपी में अपने नेताओं की जगह दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट। मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बोले पीएम के नेतृत्व में हो रहा पार्टी का विस्तार। एनसीपी के 53 विधायकों की अयोग्यता का मामला, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आज राहुल लारवेकर आज सुनाएंगे फैसला। स्कूल में सूर्य नमस्कार से जुड़े मामले पर मुस्लिम फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शैक्षणिक संस्थानों में ठीक नहीं ऐसी चीजें कराना। नियोजित शिक्षकों की आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात, बिना परीक्षा राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जारी किया छठा समन, 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को ईडी का नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लखनऊ के ईडी ऑफिस में आज तलब। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज करेंगे रामलला के दर्शन, सभी कैबिनेट सदस्य भी आएंगे अयोध्या। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत, योगी ने लगाई चौपाल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सौरभ वशिष्ठ से मुलाकात, कतर से सकुशल लौटे कैप्टन सौरभ। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे सुनाएगा फैसला। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना का मामला, जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मुंबई में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अवैध सोना, कस्टम विभाग ने 7 अलग अलग मामलों में 2 किलो 95 ग्राम सोना जब्त किया। कस्टम विभाग के मुताबिक बरामद गोल्ड की कीमत करीब 1,62,00,000, मस्कट से मुंबई आया था भारतीय व्यक्ति। दिल्ली के अस्पताल में सप्लाई किया जा रहा था घटिया माल, एंटी करप्शन ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। एसीबी की जांच में डॉक्टर और कुछ अधिकारियों के मिली भगत की मिली जानकारी, एसीबी ने बरामद किए कुछ फर्जी बिल और रसीदें। भारत और इंग्लैंड के बीच 3रा टेस्ट आज से, राजकोट में खेला जाएगा मुकाबला। 3रे मैच में केएल राहुल के खेलने की संभावना बहुत कम, चोटिल होने की वजह से उनका खेल पाना मुश्किल।
बिल्कुल। और इस बीच की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि किसानों और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी, चंडीगढ़ में बैठक होगी और एक बार फिर से कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से कि जो टकराव की स्थितियां बनी हुई है उसमें बीच का रास्ता निकाला जा सके। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय होंगे इस बैठक में और शाम 5 बजे ये बैठक होगी। अब सब किसी की नजर इस बैठक पर बनी हुई है और सवाल बड़ा यह है कि क्या किसानों और सरकार के बीच में कोई हल निकल पाएगा। आज किसान आंदोलन पार्ट 2 का तीसरा दिन है। किसानों का हुजूम शंभू बॉर्डर पर डटा हुआ है। इस तनातनी के बीच आज किसानों और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बैठक होनी है। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय होंगे। किसानों की तरफ से सरवन सिंह पंडेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत बाकी किसान नेता शामिल होंगे। सरकार और किसानों के बीच इससे पहले 2 राउंड की बात हो चुकी है। 8 फरवरी को सरकार और किसानों के बीच पहले राउंड की बैठक हुई थी। 12 फरवरी को दूसरे राउंड की बैठक हुई थी, लेकिन ये दोनों बैठकें बेनतीजा रही थी। किसानों की 13 में से 3 बड़ी मांगे MSP की कानून गारंटी, किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर सहमति नहीं बन पा रही। इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है उसके अनुसार पहल करें। अगर ये मसले का हल हो जाए टेबल पर बैठ के तो इसके बारे में दोबारा विचार लेते हैं। तो बातचीत होनी है, लेकिन इन सब के बीच बयानों का सिलसिला भी चल रहा है और किसान नेता सरवर सिंह पंडेर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बातचीत हो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर किसानों से खुद बात करेंगे तो ये बेहतर होगा, समस्या का हल निकलेगा। आज मीटिंग से हल निकलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम MSP पर कानून चाहते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री खुद किसानों से बात करेंगे तो समस्या का हल निकलेगा। हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए, अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। तो आज किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होने से पहले किसान आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे, रेल रोको करेंगे वो 12 से 4 बजे तक और साथ में टोल प्लाजा भी फ्री कराएंगे। किसानों और सरकार के बीच आज चंडीगढ़ में होने वाली तीसरी बैठक पर सबकी नजरें हैं। मामले का समाधान निकलता है या संग्राम जारी रहता है, ये आज पता चल जाएगा। बैठक के चलते शंभू बॉर्डर पर डटे किसान आज दिल्ली की ओर पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब में किसान संगठन सरकार के खिलाफ विरोध जताएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में किसान संगठन आज रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक होगा। के सरकार ने इन जायज मंगा ते लड़दियां दे अथरू कहते गोले सिटे ने ते रोका ला ते रोके 12 तो 4 बजे तक रेला रोकण दा प्रोग्राम बनाया ते सारे किसान भरावां नूं रेलवे ट्रैक के साथ किसान संगठन आज पंजाब की सड़कों पर भी ताका दिखाएंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किसान संगठन आज पंजाब में सभी टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। वो राह खुलाने वास्ते 11 तो लेके 2 बजे तक सारे टोल प्लाजे फ्री करांगे। यानी आज शाम को बातचीत के लिए केंद्र मंत्रियों के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले किसान संगठन पूरे पंजाब में अपना दमखम दिखाएंगे। किसान आंदोलन की उठापटक के बीच CBSE की परीक्षाएं भी आज से शुरू होने वाली हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए CBSE ने भी छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स छावनी में तब्दील हो चुके हैं। किसानों को रोकने के लिए बोल्डर, कटीले तार, बैरिकेडिंग, सड़कों पर कील और भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिससे सुबह शाम भीषण जाम लगने का मंजर बीते 2 दिनों से आम हो चुका है। इस बीच आज से CBSE की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और जाम के कारण छात्रों को दिक्कत ना हो इसके लिए CBSE की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए अपने अपने घरों से जल्दी निकलें, निजी वाहन की जगह मेट्रो का इस्तेमाल करें ताकि जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। आंदोलन से लोगों को परेशानी न हो इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी किसान नेताओं से अपील की है। मैं आशा करता हूं कि किसान संगठन के माध्यम से इन सारी बातों को समझ करके लोग किसी तरह की कठिनाई ना हो इसकी चिंता करेंगे। यह सारे विषय ऐसा नहीं है कि एकांगी में सोचा जाए, समग्रता में सोच करके हमें समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए।
पीएम मोदी आज से कतर दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात कतर के अमीर से होगी। इससे पहले जब वो यूएई का दौरा खत्म करके कतर पहुंचे थे तो भारतवंशियों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया था। कतर की जमीन पर पीएम मोदी के कदम पड़ते ही वहां रहने वाले भारतवंशियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई अपने देश के प्रधान से मुलाकात के लिए एक झलक पाने के लिए बेताब था और पीएम मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। पीएम मोदी रात करीब 12 बजे कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां उन्हें कतर के प्रधानमंत्री रिसीव करने आए। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत कतर के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र में विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी के लिए कतर के पीएम ने डिनर का भी आयोजन किया। पीएम मोदी की आज कतर के अमीर यानी शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से भी मुलाकात होगी। चंद दिन पहले ही कतर ने मौत की सजा पाए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा किया है। ऐसे में ये दौरा और भी खास है, जो दोनों देशों के बीच दोस्ती को नया आयाम देगा। राज्यसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज आज राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, जिसके चलते इन सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होना है। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। आज नामांकन खत्म हो रही है। आज बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी के कई दिग्गज पर्चा भरेंगे। नामांकन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के साथ गुजरात से राज्यसभा के बाकी बीजेपी उम्मीदवार भी नामांकन भरेंगे। नड्डा के साथ मयंक नायक, गोविंद ढोलकिया और जसवंत सिंह परमार भी पर्चा दाखिल करेंगे। हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी अजित गुट से प्रफुल्ल पटेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट ने कांग्रेस छोड़कर आए मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे भी आज पर्चा भरेंगे। बिहार में आरजेडी के मनोज झा और संजय यादव राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी आज पर्चा भरेंगे। तेलंगाना में रेणुका चौधरी और अनिल यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में अशोक सिंह राज्यसभा का नामांकन दाखिल करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर एक और राज्य में इंडिया गठबंधन का विवाद सामने आ गया है। जरा हुआ ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक सीट का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वो ऑफर ठुकरा दिया। आम आदमी पार्टी की दलील है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। एमसीडी के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन निराशाजनक था। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस दिल्ली की एक भी सीट की हकदार नहीं है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों का आईना दिखा रही है। 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 7-7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस को 23% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। 5 सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कि वो यहाँ कुछ कहता है, वहाँ कुछ कहता है, हकीकत कुछ और है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। पिछली मरतबा भी हम लोग चाहे कोई सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछली बार से ज़्यादा ऊर्जा के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार। हमने साथ ही ये भी प्रपोज किया है कि दिल्ली में 6 सीट्स आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी और 1 सीट पर कांग्रेस कंटेस्ट करेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष आज फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों ने एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की अर्जी लगाई हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से अजीत पवार वाले गुट को असली एनसीपी करार देने और चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद अब नजर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाएंगे। आज शाम 4:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आएगा। एनसीपी के 53 विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला सुनाएंगे। शरद पवार गुट ने अजीत पवार गुट से विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका लगाई थी। अजीत पवार गुट ने शरद पवार गुट के विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की थी। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार 8 विधायकों के साथ बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में एनसीपी के ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ चले गए थे। 6 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने अजित पवार वाले गुट को असली एनसीपी माना था। चुनाव आयोग ने विधायकों के बहुमत को देखते हुए फैसला किया था। शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है।